सीजन 14 में पहले ही दिन से सभी सदस्यों के बीच उनके पर्सनल सामान को लेकर झगड़ा देखने को मिलता रहा है और अब जब घर के सभी सदस्यों को उनका पर्सनल सामान मिलने जा रहा है तो ऐसे में एक बार फिर घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल बिग बॉस में आज घर के सभी सदस्यों को टास्क दिया जाएगा ताकि उसे जीत कर वो हमेशा के लिए अपना पर्सनल सामान हासिल कर सके। इस टास्क में सभी सदस्यों को एक पाइप से गिरी बॉल्स इकट्ठा करके अपने अपने बैग में जमा करनी होंगी ताकि टास्क के अंत में किसी एक सदस्य को इस टास्क का विजेता बनाया जा सके। पर इस टास्क में एक ऐसा ट्विस्ट भी बिग बॉस ने डाला है जिसकी बदौलत मेकर्स का घर में ये टास्क कराने का मकसद पूरा हो जाएगा। दरअसल जब सभी सदस्य बैग्स में बॉल इकट्ठा कर रहे होंगे तो दूसरे सदस्य के बैग्स को भी फाड़ते हुए ये सदस्य नजर आएंगे ताकि उसकी बॉल्स कम हो जाएं और वो इस टास्क में ना जीत पाए। वेल, इस टास्क के दौरान रुबीना दिलेक जब बॉल्स इकट्ठा कर रही होंगी तो पवित्रा पीछे से आकर रुबीना का बैग खींचती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बैग को फाड़ने में इतना ज्यादा लीन हो जाएंगी कि ये दोनों एक दूसरे पर गिरती पड़ती नजर आएंगी। इसके अलावा शहजाद और निशांत की छीना छपटी में निशांत पूल के किनारे जा गिरते हैं और एक गंभीर चोट के शिकार होने से निशांत बाल बाल बचते हैं। राहुल और इजाज के बीच भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला। हालांकि पवित्रा पुनिया ने जिस तरह रुबीना दिलेक पर हमला किया उसकी वजह से रुबीना के फैंस का गुस्सा पवित्रा पर फूटता नजर आ रहा है। हालांकि टास्क के बाद खुद सभी कंटेस्टेंट आपस में एकजुट होते नजर आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सभी बिग बॉस में गेम खेलने के लिए आए हैं और टास्क के वक्त यहां दोस्ती से ज्यादा गेम को अहमियत देनी ही पड़ती है।